मैं प्रदीप धिवार, प्रिंसिपल फोटोग्राफर मिडडे। मुझे आज भी वो दिन याद है, 26 नवंबर 2008। आज भी वो दिन याद करके उस दिन मैं नाइट शिफ्ट में था, 9:30-10 बजे ऑफिस आया रात को। इतने में हमारे स्पोर्ट्स एडिटर पेटन सर ने आके बोला कि अरे कुछ लियोपोल्ड में कुछ फायरिंग हुआ है। व्हेन आई वाज कमिंग नियर स्वान क्लब इन विले पार्ले, देयर वाज अ टैक्सी ब्लास्ट एंड आई फाउंड वन हेड ऑन आई मीन दैट इज बीन फ्लून टू द स्वान क्लब and the body parts were lying on the divider of that Western Express Highway. I was going home evening and my boss told me to go to JW Marriott, some Bachchan event was there. And then I realized that 9:30 Mr. Bachchan won't come so late. So as soon as I came out, plenty of phone calls started coming that there was some gang war. So jo pula bomb hum log baad mein ja sakte, firing to ho chuka hai. तो पहले वीटी में क्या हुआ वो देखते, सीएसटी में क्या हुआ वो देखते, स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश करने लगे अंदर। तो लोग मुझे धक्का मार के बाहर खींच रहे थे, अरे अंदर मत जाओ, अंदर फायरिंग हो रही है। टीवी ऑन किया तो ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था कि मुंबई में टेरर अटैक हो रहा है। 5 मिनट के अंदर पूरा स्टेशन खाली पड़ा था, कोई दिख नहीं रहा था, सुनसान एकदम। सब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर सब ट्रेन खड़ी थी। मैं ट्रेन में घुस गया, सामने से फायरिंग की आवाज़ आने लगी। सामने से मुझे दो जन दिखे भी, ऐसे परछाई दिखी कि कोई तो आ रहा है फायरिंग करते हुए। तो मैं तुरंत बाहर आया, डीएमसी की तरफ आगे दौड़ा। पूरा रोड सुनसान हुआ था और वो लोग उतने में आगे आए फायरिंग करते करते। उतने में पुलिस ने भी डीएमसी बिल्डिंग के यहाँ से भी फायरिंग करना चालू किया था, लेकिन पुलिस को हम लोग दिख रहे थे कि फोटोग्राफर और आम पब्लिक यहाँ पे है, 4-5 लोग थे हम लोग। तो पुलिस बड़ी सावधानी से वो लोग फायरिंग करते, किसी को भी कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मेरे सामने और एक व्यक्ति बैठा था, उसने उठ के भागने की कोशिश की तो उसके पैर में गोली लगी और उधर ही गिरा। मैंने वो फोटो खींचा, रोड पे कोई नहीं, खाली फायरिंग की आवाज़। वो लोग यहाँ से हैंड ग्रेनेड डाल रहे थे, वो बराबर डिवाइडर के वो बाजू फट रहा था। अगर ये बाजू होता तो हम लोग वहीं पे जाते, या फिर वो लोग 2 फीट के वो दीवार बांध के अगर ये साइड आने की कोशिश करते तो भी उन्हें दिखता कि यहाँ पे 4 जन लेटे हुए, हमारे ऊपर फायरिंग हो जाती थी। वो 20 मिनट कैसे हमने निकाले हमें मालूम है। 20 मिनट के बाद पुलिस सतर्क हो गई, सब लोग आए और वो लोग फिर को कामा की तरफ दोनों जन अंदर से ही भाग गए। फर्स्ट पिक्चर ऑफ माइन इज व्हेन गेस्ट ऑफ ओबेरॉय, ही वाज ऑन अ नाइट सूट एंड ऑन द सी शोर, आई मीन मरीन ड्राइव। आई शॉट हिज पिक्चर, देन वी ट्राइड टू एंटर द ओबेरॉय वेयर द एक्शन वाज हैपनिंग। हसन गफू वाज द सीपी दैट टाइम एंड ही वाज एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ दैट होटल, बट वी हैव बीन स्टॉप फ्रॉम द फोर्सेस not to enter the hotel. At Trident, it was the firing, as Suresh said, that the firing, you can hear everything, but there was no action pictures as such. Hasan Kapoor's CP was also standing there and people were getting ready with the jackets and everything, loaded guns and everything. We saw the people were actually coming to the window and waving white flags. So it's totally, you know, I mean, it's a disturbing scenario there, but we had to wait. And the day gone, the night is gone, the morning started. सुबह में 3 बजे मैंने पहली ट्रेन विरार से पकड़ी थी और डायरेक्ट मैं ओबेरॉय होटल है वहाँ पे गया। ओबेरॉय के पीछे की साइड वो लोग ने फायर किया था, आग लगाई थी। इतना एम्बुलेंस का आवाज़ आ रहा था, फायरिंग का ब्लास्ट था। Taj, when I went and that picture I got when the actually the terrorists attacked the dome. And there was a big blast and birds were flying because of that terrific sound over there. And that picture, the first dome where they attacked early morning. It was 6:30, 7 o'clock or something. We spent 3 days standing there in that same position looking for the pictures.
तीसरे दिन वापस जब वो नेवी ने ऑपरेशन किया कुलाबा में छबाड़ा हाउस में, उसके सामने वाली बिल्डिंग में कैसे वैसे हम लोग ऊपर गए। हम लोग रात को ही जाके बिल्डिंग में टेरेस पे जाके सो गए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो नेवी वाले रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करने वाले। सुबह 5:30-6 बजे नेवी का हेलीकॉप्टर आया, क्यों बड़ा हमारे वो जहाँ हम लोग बैठे थे उसी बिल्डिंग के ऊपर आके वो उतरे और सब कमांडो नीचे उतरने लगे। पूरा धुआं धुआं उठा, सामने हम लोग देख रहे हो कि वहाँ से वो लोग फायरिंग कर रहे, कमांडो उतर रहे नीचे, वो लोग कवर फायरिंग कर रहे थे, कमांडो को दिख रहे थे कि हम लोग भी कोई तो है, तो वो लोग भी हमें बचा के सब फायरिंग कर रहे थे। लेकिन फाइनल ये लोग ने NSG कमांडो ने चारों तरफ से ताज को कॉर्डन कर दिया, फायरिंग करके उनको एक ही रूम में मीन्स बॉल रूम में लेके आए, और ताज के सामने गेट ऑफ इंडिया के पास एक छोटा सा मिसाइल रखा था उन लोगों ने, और मिसाइल को बरोबर बॉल रूम की खिड़की से इतना फोर्स से अंदर उनको छोड़ा गया और बॉल रूम में जाके ब्लास्ट हुआ। तो आई थिंक वहाँ पे 3 टेररिस्ट थे और तीनों वहाँ पे ख़त्म हो गए। पता चला कि नरीमान हाउस है ताज के वहाँ पे आगे, वहाँ पे ऑलरेडी सब टेररिस्ट को मार दिया था, और NSG कमांडो सेलिब्रेट करके हाथ में गन लेके वहाँ से बाहर निकले। तो हमने वो पिक्चर, वहाँ की सब पब्लिक जय हिंद करके चिल्ला रही थी, जो कि कोलाबा की जितनी भी पब्लिक है वो लोग बस में से नरीमान हाउस से पूरा ऑपरेशन ख़त्म करके बाहर आए, तभी वहाँ की जितनी भी पब्लिक है कोलाबा की जय हिंद, वी प्राउड ऑफ यू जय हिंद ऐसा करके, और वो लोग एकदम पूरा चिल्ला के खुशी से बाहर आए थे। Coincidentally, when Kasab was being caught, he was kept with one officer. He was Dinesh Kadam, and he was my brother. So I used to always call him, Dada, ek time let me come and see him. I was not curious to see him. I was curious to shoot his picture. So he said, okay, you come, but you will come without camera. You want to see him? No, you see him. And coincidentally, what happened, I don't know, I was wearing black shirt. And the moment he saw me in a black shirt, he said, Ja tu ghar yaar, you don't stay over here. You are not getting to see him. So he thought some camera must be here. There. When I entered the Taj after 3 years, like, you know, I mean, still that, you know, I mean, I can hear that gunshots. Even today, if I am entering the Trident or the Oberoi, I mean, this thing, the still old memories, it still affects. कि जब मैं सोया था बाहर, मैं उसको देख रहा था, यानी झाड़ी में से वो दिख रहा था मुझे, लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रहा था कसाब। मुझे अभी भी फील हो रहा है कि वो पिक्चर में शूट नहीं कर सका। एक तो पिक्चर में गया, फिर मैं थोड़ा दुख होता है, थोड़ा फील भी होता है कि एक हम लोगों का प्रोफेशनल ऐसा है कि हमको दुनिया को दिखाना है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, टेररिस्ट लोग जो कर रहे हैं, वो हमको दुनिया को दिखाना था। लेकिन सब लोग बोल भी रहते हैं, अरे आप मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, और मीडिया को आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। हम लोगों का एक जॉब है जो सबको दिखाना है कि टेरर अटैक क्या है और टेरर अटैक कैसा होता है।